रायपुर पश्चिम से बीजेपी ने राजेश मूणत को फिर प्रत्याशी बनाया है। प्रत्याशी बनने के बाद राजेश मूणत भगवान हटकेश्वर नाथ के दर्शन कर प्रचार अभियान की शुरुआत की। राजेश मूणत ने कहा कि पिछले बार जिस प्रत्याशी से हारा उसको हराया भी है और इस बार भी हराएंगे। भारतीय जनता पार्टी आज से चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत कर रही है और पूर्व मंत्री राजेश मूणत जो रायपुर पश्चिम के प्रत्याशी भी है वो आज मंदिर दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं और इस अभियान की शुरुआत करेंगे। सर, चुनाव प्रचार अभियान की आप शुरुआत करेंगे, मंदिर दर्शन के लिए पहुंचे, किस तरह से अभियान की शुरुआत होगी? मैं 2003 के अंदर लोकतंत्र का पहला चुनाव लड़ा था, तब मैंने अपनी पहली अर्जी यहाँ लगाई थी। आज भी मैं अपनी अर्जी लगाने आया हूँ। अच्छा, रायपुर पश्चिम से आप प्रत्याशी के तौर पर खड़े हुए हैं, पहले भी आप खड़े हुए थे तो आपको हार का सामना करना पड़ा था, इस बार किस तरह की रणनीति रहेगी? प्रत्याशी को मैंने पहले भी हराया था, उसी प्रत्याशी को उससे हारा भी। सरकार होने के बाद भी रायपुर के अंदर वर्तमान जो कांग्रेस के यहाँ के विधायक हैं वो कुछ नहीं कर पाए, तो जनता परिवर्तन के लिए तैयार बैठी है। 2023 छत्तीसगढ़, 2024 केंद्र के अंदर मोदी के नेतृत्व में नई सरकार, यही हमारा संकल्प। अच्छा, एक आखिरी सवाल है, रायपुर पश्चिम में कौन कौन से विकास के मुद्दे लेकर के आप जाएंगे जनता के बीच में? बहुत सारे, सबसे बड़ा क्राइम, जहाँ तक पेयजल नहीं पहुँचा वहाँ तक पानी पहुँचाना, रोड बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना। बिल्कुल, तो जैसा कि इन्होंने कहा कि तमाम विकास के मुद्दे लेकर के जनता के बीच में जाएंगे और कांग्रेस सरकार की नाकामियां गिनाएंगे और इस तरह से इनकी जो रणनीति है वो बनेगी और आज से इनके प्रचार अभियान की शुरुआत भी हो रही है। कैमरामैन मुकेश दरिया आपके साथ, सुप्रिया पांडे, IBC 24 रायपुर।